असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस बेस्ट स्कूल ऑनलाइन स्टडीज कैसे हैं आप सब होप यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स आज हम सोशल स्टडीज क्लास फिफ्थ के यूनिट नंबर वन द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट के लेसन नंबर टू का लेक्चर टू जो है वो लेंगे यानी हम इसे कंप्लीट करेंगे आज लेक्चर वन में हमने हाफ रीडिंग जो है वो की थी आज इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे द टाइटल इज फ्रॉम वेदर टू क्लाइमेट यानी मौसम से आबोहवा तक द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान हमने मुखलिफ रीजन देखे थे क्लाइमेट के वर्ल्ड वाइड तो हम हम देखते हैं कि पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो कैसा है पाकिस्तान इज लोकेटेड एंड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन थर्टी सेवन डिग्री नॉर्थ एंड ट्वेंटी फोर डिग्री नॉर्थ यानी पाकिस्तान जो ग्लोब पे अगर देखें हम तो हमें जो लोकेशन इसकी नजर आती है वो 37 डिग्री नॉर्थ और 24 डिग्री नॉर्थ के दरमियान में है सिंस इट इज क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब है द सन फॉल फेयरली डायरेक्टली तो बिल्कुल सीधी नहीं लेकिन ऑलमोस्ट डायरेक्ट है सन रेज हमारे इलाके पर पाकिस्तान रिकॉर्ड्स मोस्टली हाई टेम्परेचर एंड इज काउंटेड अमंग द हॉटर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है ज़्यादातर गर्म होता है और ये हॉटर कंट्रीज में गिना जाता है हा एवर द क्लाइमेट वेरीज बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान में जो फिजिकल रीजन्स हैं उनमें टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ होता है यानी सारे के सारे पाकिस्तान में टम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता हम मोस्टली हॉटर एरियाज़ हैं यहाँ पर लेकिन कुछ ठंडे इलाके भी हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लैटीट्यूड्स एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंसेस फ्रॉम द सी क्योंकि वो मुख्तलफ़ लेटीच्यूड पे हैं एल्टीट्यूड उनकी ऊंचाई जो है समंदर से काफ़ी ज़्यादा है और वो कुछ इलाके समंदर से बहुत दूर भी हैं तो इन सारी रीजनस की वजह से उन इलाकों का टम्परेचर जो है वो मुख्तलि है मैदानी इलाकों से द माउंटेनियस रीजन आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड वो हाई एल्टीट्यूड पर है इन इन इलाकों में विंटर कोल्ड cool. जैसा कि आप जानते हैं हमारे पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और वहां पर विंटर जो है वो बहुत ज्यादा सर्द हो जाता है एंड एक्सटेंड फ्राम अक्टूबर टू अप्रैल और ये अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है ये मौसम द टेम्परेचर

प्रेसिपिटेशन जो है वो स्नोफॉल के जरिए होती है समर टेम्परेचर आर वॉम समर का जो टेम्परेचर है वो बस नॉर्मल सा गर्म होता है फ्रॉम मई टू अगस्त आर द समर मंथ्स यहाँ पर मई से अगस्त तक समर मंथ होते हैं द हॉटेस्ट मंथ आर जून एंड जुलाई जून और जुलाई के जो मंथ हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं देर इज गुड रेनफॉल इन समर गर्मियों में अच्छी बारिश भी होती है हमारे इलाकों में विच रिड्यूस द हीट जिसकी वजह से गर्मी जो है वो कम हो जाती है पीपल मोस्टली एंजॉय देयर लाइफ इन समर तो हम सब यानी सब लोग जो हैं वो एन्जॉय करते हैं समर में लाइफ को बारिश के मौसम को भी तो ये मैप नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान का ये क्लाइमेट शो कर रहा है मुख्तलिफ किस्म का पाकिस्तान में के ये जो ग्रीन एरिया है ये एरिड बनाया गया है यहाँ पर इसमें हॉट समर माइल्ड विंटर होता है सेकेंड नंबर पर भी वार्म विंटर इसके बाद समर कोल्ड विंटर यानी समर किस तरह का रहता है और विंटर किस तरह का रहता है फिर जिनमें हॉट समर रहता है और माइल्ड ये जो इलाके हैं उसके बाद वार्म समर और कोल्ड विंटर आता है इन इलाकों में जो आपको मैप पे नजर आ रहे हैं उस कलर में फिर ह्यूमिड एरिया है हॉट समर होता है माइल्ड विंटर होता है इन इलाकों में ये जो आपको लाइट पर्पल कलर नजर आ रहा है एंड देन पर्पल कलर में वार्म समर कोल्ड विंटर और उसके बाद हाईलैंड आती हैं जहाँ पर के हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं वार्म टू कोल्ड समर यानी गर्मी से हल्की सी आ, सर्दी से हल्की सी गर्मी होती है वहां पर और कोल्ड टू कोल्ड विंटर और विंटर जो है वो ठंडे से ठंडा तर होता है यानी यहाँ पर जीरो डिग्री टेम्परेचर हो जाता है इन इलाकों में इन द प्लेन रीजन समर आर नॉट ओनली हॉट बट लॉन्ग तो जो मैदानी इलाके हैं हमारे यानी जहाँ पे हम रहते हैं ये सारे के सारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर गर्मियों का मौसम सिर्फ गर्मी नहीं होता लंबा भी होता है यानी लास्टिंग फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर और ये मार्च से अक्टूबर तक जो है वो गर्मियों का मौसम रहता है तो हॉटेस्ट मंथ आर जून एंड जुलाई और ज्यादा गर्म जो है महीने वो जून और जुलाई के होते हैं विथ टेम्परेचर रीचिंग फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ इलाकों में टेम्परेचर जो है वो फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है डस्ट्राम्स होती है आंधी चलती है मट्टी वाली एंड थंडस्ट्राम और, और बहुत ज्यादा तूफानी हवाएं भी चलती हैं आर कॉमन इन इलाकों में कॉमन है इस तरह के थंडास्ट्राम भी आते हैं ऑफन वेरी हॉट विंड कार्ड लू बिलो और अक्सर इन इलाकों में जो है गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हम कहते हैं लू चल रही है पीपल यूजली स्टॉप आउटडोर वर्क ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे और लोग जो है वो फिर इस तरह के मौसम में दिन के वक्त में अपना काम थोड़ा कम कर देते हैं और जब गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है तब अपने काम जो है वो मुकम्मल करते हैं देर इज नॉट मच रेनफॉल इन दिस रीजन इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती फार्मर्स हैव टू इरीगेट देअर क्रॉप्स फार्मर्स जो है उन्हें अपनी फसलों को इरीगेट करना पड़ता है यानी पानी देना पड़ता है नहरों से दरियाओं से विंटर्स आर माइल्ड विंटर जो है वो बहुत ज्यादा सर्द नहीं होता विथ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड टू ट्वेंटी सेंटीग्रेड जनवरी इज द कोलेस्ट मंथ जनवरी जो है वो सबसे ज्यादा ठंड इन द डेजर्ट रीजन सहराई इलाकों में इट्स सेल्डम रेन्स बारिश कभी कभार ही, ही होती है समर आर हॉट एंड ड्राई समर जो है वो गर्म भी होता है खुश्क भी होता है यानी ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती एयर में विथ हॉट एंड डस्टी विंड्स बिलोइंग थ्रू आउट और सारा वक्त गर्म और गर्द आलू यानी मिट्टी होती है हवा में जब हवा चलती है तो उसके साथ मिट्टी भी उठती है ऐसी हवाएं वहां चलती रहती हैं विंटर्स आर एक्सट्रीम विद द टेम्परेचर गोइंग बिलो ज़ीरो डिग्री और विंटर में सर्दियों में तो टेम्परेचर जो है रात के वक्त वो जीरो डिग्री तक चला जाता है यानी एक्सट्रीम ठंड होती है इन समर द टेम्परेचर गोज ओवर फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में ये टेम्परेचर जो है वो फिफ्टी डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है यानी एक्सट्रीम पर गर्मी भी होती है यहाँ इन द कोस्टल रीजन यानी साहिली इलाके देर इज अटल रेन फॉर कम बारिश होती है यहाँ पर द टेम्परेचर इज माइल्ड बोथ इन समर एंड विंटर और समंदर की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी माइल्ड रहता है यानी बहुत गर्मी या बहुत सर्दी नहीं होती विंटर इज़ प्लेजेंट बट इट इज़ वेरी शॉर्ट विंटर जो है वो प्लेजेंट होता है यानी खुशगवार सी सर्दी होती है जो काबिल बर्दाश्त होती है लेकिन बहुत थोड़े देर के लिए ये विंटर होता है एक्सटेंडिंग फ्राम दिसंबर टू फेबररी यानी सिर्फ तीन महीने के लिए समटाइम्स कोल्ड ड्राइव्स बिलो फ्राम बलोचिस्तान कभी बार बलोचिस्तान की तरफ से खुश्क सर्द हवाएं जो हैं वो कराची की तरफ चलती हैं यानी कोस्टल एरिया सिंध की तरफ विच कॉजिज द टेम्परेचर टू फॉल जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है समर लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर समर के महीने ज्यादा हैं यानी अप्रैल से अक्टूबर तक इन प्लेटस रीजन देर इज हॉट समर एंड माइल्ड विंटर यानी पहाड़ों के दरमियान में जहाँ पर सता मुरतवा है यानी जमीन प्लेन है जहां कहीं पर वहां पर जो समर है वो और विंटर माइल्ड होता है यानी बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत गर्मी नहीं होती समर लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू तो अक्टूबर समर के महीने अप्रैल से अक्टूबर तक होते हैं विद टेम्परेचर गोइंग ओवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है यानी इतनी गर्मी होती है वहां पर इन विंटर्स द टेम्परेचर रिमेन्स क्लोज टू टेन डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में ऑलमोस्ट 10 डिग्री से 30 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर रहता है देर इज़ कंसिडरेबल रेनफॉल दो इट इज़ मोर इन समर देन इन विंटर यहाँ पर अच्छी बारिश हो जाती है और वो ज़्यादातर जो है वो गर्मियों में होती है विंटर में कम बारिश होती है पाकिस्तान रिसीव्स मॉनसून रेन्स फ्रॉम जुलाई टू तो सितंबर पाकिस्तान में जुलाई और सितंबर के महीनों में मानसून की हवाएं जो हैं वो दाखिल होती हैं यानी ये वो हवाएं होती हैं जो बारिश लेकर आती हैं बट दीज आर नॉट वेरी हैवी एज बाय द टाइम मानसून विंड्स रीच पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान पर जब तक पहुंचती हैं तब तक बहुत हैवी रेन नहीं लेके आती क्योंकि आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया ये इंडिया से क्रॉस होकर हम तक आती हैं तो दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर और अपनी बहुत सारी नमी बारिश जो है वो इंडियन इलाकों में वो बरसा कर आती हैं इसलिए हमारे पास जब ये दाखिल होती हैं तो बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होती नेवर द लेस द मानसून अकाउंट द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन पाकिस्तान फिर भी बहरहाल मानसून जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो रेनफॉल उसी की वजह से बारिश होती है मानसून की हवाओं की वजह से कि क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट करता है हमारे पर क्लाइमेट है यानी अगर हम गर्म इलाकों में है तो हम हल्के फुलके कपड़े पहनते हैं सर्द इलाकों में तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं सर्दियों में द फूड वी ईट हम किस तरह का खाना खाते हैं सर्दियां होंगी तो ड्राई फ्रूट्स होंगे और इस तरह का खाना होगा जिससे हमारे जिसम को गर्मी मिल सके और गर्मियाँ होंगी तो हम इस तरह के खाने खाएंगे जिससे हमें ठंडक मिले यानी दही लेंगे लस्सी पिएंगे द गेम्स वी प्ले हम किस तरह की गेम्स खेलेंगे यानी सर्दियों में हम इंडोर गेम खेलते हैं गर्मियों में हम पार्क्स में खेलना पसंद करते हैं एंड द प्लेस वेयर वी लिव और कैसी जगह पर हम रहते हैं वहां पर क्लाइमेट जो है वो कैसा है शदीद गर्मी है शदीद सर्दी है या मॉडरेट है मोस्ट पीपल चूज टू लिव इन द्लेसेज दैट है मॉडरेट क्लाइमेट ज्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर क्लाइमेट जो है वो शदीद नहीं होता बल्कि मॉडरेट होता है यानी गर्मी और सर्दी बहुत ज्यादा नहीं आती बल्कि अच्छा मौसम रहता है एग्रीकल्चर इज ग्रेटली इफेक्टेड बाई क्लाइमेट अब जो जरात है वो तो डायरेक्टली इफेक्टेड होती है क्लाइमेट से यानी गर्म इलाके हैं तो किस तरह की फसलें होंगी सर्द इलाके हैं तो कैसी फसलें होंगी कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द राइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड सनशाइन एंड सुटेबल टेम्परेचर के काश्तकारी जो है वो डिपेंड करती है कि वहां पर बारिश कितनी हो रही है और गर्मी कितनी है या फिर सर्दी कितनी है तो सुटेबल टेम्परेचर भी चाहिए कुछ फसलों को ज्यादा गर्म गर्मी चाहिए तब वो पककर तैयार होती हैं कुछ को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो ऐसे इलाकों में कल्टीवेशन जो है वो डायरेक्टली इफेक्टेड होती है बाय द क्लाइमेट फॉर एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप्स नीड स्ट्रोंग सनशाइन एंड वार्म टेम्परेचर ऑफ समर कि खरीफ में जो क्रॉप्स होती हैं उनको बहुत तेज धूप चाहिए होती है वार्म टेम्परेचर समर का उन्हें सूट करता है द रबी क्रॉप्स सोन इन विंटर और रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर में लगाई जाती है नीड कूलर टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल और उनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता और टेम्परेचर भी जो है वो नस्बतन कम चाहिए होता है तो इन दोनों फसलों को जब बोया जाता है तो टेम्परेचर देखा जाता है यानी क्लाइमेट जो है वो सूटेबल होना चाहिए तो क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट करता है हमारी एग्रीकल्चर पर भी द क्लाइमेट कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू आवर लाइव्स कभी कभार जो क्लाइमेट है वो हमारी जिंदगियों को नुकसान भी पहुंचाता है फ्लडिंग इन पाकिस्तान कैन का सीरियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कभी कभार जब फ्लड आ जाते हैं यानी रेनफॉल अचानक ज्यादा हो जाती है फ्लड आ जाते हैं तो उससे हमारी जिंदगियां भी बहुत सी मुतासर होती हैं यानी कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है और प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचता है यानी घर और जो सड़कें हैं वो सब जो है वो तबाह हो जाती हैं रोड्स इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस सप्लाईज कैन आल्सो बी इफेक्टेड और जो सहूलतें हमने प्रोवाइड की होती हैं एरियाज में यानी रोड्स हैं बिजली है पानी का निजाम है और गैस की सप्लाई है वो भी इफेक्ट होती है उस रेन रेंफ, हैवी रेनफॉल से जो फ्लडिंग होती है उसकी वजह से ड्यूरिंग द फ्लड सीजन यानी जब इस तरह के फ्लड सीजन होते हैं फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेंबर जुलाई से सितंबर तक द इंडस ओवरफ्लोज तो दरियाए सिंध जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है यानी अपने किनारों से बाहर निकलता है इट्स बैंक्स व्हेन द सिल्ट इट हैज ब्रॉट फ्रॉम हायर लेवल्स सेटल्स टू बेड एंड मेक्स इट शैलो तो इसमें ये होता है कि ये दरिया जो है अपने साथ जो लेके आता है मट्टी वो किनारों पर बैठ जाती है और उनकी जो गहराई है वो कम हो जाती है वो सेटल कर जाती है उसके किनारों के साथ और फिर उसकी ऊंचाई कम हो जाती है और वो शैलो हो जाते हैं और जिसकी वजह से पानी जो है वो किनारों से बहकर मैदान में फैल जाता है फ्लैश फ्लड अकर इन ड्राई एरियाज़ ऑफ़ फ्लैश फ्लड का मतलब होता है कि बारिश बरसती जाती है और फ्लड बनता जाता है एक तो दरियाओं में फ्लड होता है ना कि पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो दरिया में बहुत ज्यादा पानी आ गया तो वो दरिया जो है वो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके में फ्लड लेकर आ गया क्यों तो तो फ्लैश फ्लड के बारिश बरस रही है इलाके में और पानी का लेवल जो है वो हाई होता जाता है यानी रोड्स पर स्ट्रीट्स पर हर जगह पर तो इसे फ्लैश फ्लड्स कहते हैं और ये ड्राई एरियाज ऑफ बलूचिस्तान में होता है बलूचिस्तान के जो खुश्क है, इलाके हैं पहाड़ी इलाके इट रेन्स हैविली जब बहुत ज्यादा बारिश होती है द ग्राउंड बिकम्स सेचुरेटेड विद वाटर तो ग्राउंड जो है वो मजीद पानी अपने अंदर जज्ब नहीं करती इतनी तेजी के साथ बारिश बरस रही होती है वैसे तो जमीन पे बारिश का पानी गिरे तो कदरे उसमें जज्ब हो जाता है उसके अंदर चला जाता है लेकिन इतनी ज्यादा बारिश जब हैवीली हो रही होती है तो जो हमारे पास सॉयल होती है वो सेचुरेटेड हो जाती है दैट हैज फॉलन टू क्विकली टू बी एब्जॉर्ब कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो वो फिर बहने लगती है और बहुत तेजी के साथ पानी बहता है तो फ्लड आते हैं बलोचिस्तान में फ्लैश फ्लड्स कहते हैं हमने। लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वो एक्सट्रीम समर टेम्परेचर यानी बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत जब हो जाती है तो कुछ लोग जो हैं, उनकी डेथ हो जाती है गर्मी की वजह से ड्यू टू डिहाइड्रेशन उनमें पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है एंड हीट स्ट्रोक और गर्म हवा यानी लू जो है वो उनको इफेक्ट करती है सिमिलरली इस तरह से इन द माउंटेनियस रीजन यानी जो माउंटेन्स रीजन है वे टेम्परेचर ड्रॉप टू बिलो फ्रीजिंग इन विंटर जहां सर्दियों में टेम्परेचर जीरो डिग्री से भी नीचे चला जाता है पीपल कैन डाई ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ठंड की वजह से भी वफात पा जाते हैं समटाइम्स ग्रेट डिस्ट्रक्शन इज कॉज बाय एवलॉन्चेस एंड लैंड स्लाइड्स और कई बार बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है एवलॉन्च यानी बर्फानी तोदे गिरने से जब बर्फ का बहुत सा हिस्सा जो है वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है या फिर लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं यानी पहाड़ों पर से पत्थर और मट्टी का बहुत सा जो हिस्सा है वो नीचे गिरता है तो वहाँ पर नीचे बहुत ज्यादा तबाही मचती है वहाँ पर घर होते हैं रोड्स होते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है एक्सट्रीम क्लाइमेट कैन ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट ट्रांसपोर्ट अब ये जो शदीद मौसम होता है ये ट्रांसपोर्ट को भी इफेक्ट करता है यानी वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको भी एज समम्स हैवी स्नो ब्लॉक रोड्स की हैवी स्नोफॉल हो जाती है या फिर बर्फानी तो गिरती हैं लैंड स्लाइडिंग हो जाती है तो उससे रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं फॉग और स्ट्रॉम्स कैन डिस्टर्ब फ्लाइट शेड्यूल्स और बहुत ज़्यादा धुंध और तूफान जो होता है यानी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो या रेनफॉल उससे फ्लाइट शेड्यूल भी मुतािर होते हैं एंड आल्सो रोड एंड रेन रेल ट्रांसपोर्ट जो है यानी रोड्स और रेल ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाती है बाजुकात। बाजुक से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग पढ़ लेते हैं डिटरमिन तयन करना डिटरमिन तयन करना प्रेसिपिटेशन बारिश प्रेसिपिटेशन बारिश ह्यूमिडिटी नमी ह्यूमिडिटी नमी इंडिकेट जाहिर करना इंडिकेट मॉडरेट, मोतदिल दरमियाना इमेजिन्री तखयुलाती ख्या इमेजनरी तखयुलाती ख्यालीक्वेटर खतस्तवा इक्वेटर खतस्तवा कुर्रा कोस्टल रीजन्स साहिली इलाके कोस्टल रीजन्स साहली इलाके नाउ आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट के मौसम और आबोहवा में क्या फर्क है आंसर इज वेदर इज द कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर such as wind rain or temperature at a particular time in a particular area again weather is the conditions in the atmosphere such as wind rain or temperature at a particular time in a particular area climate climate is the general weather conditions found at a particular place for at last 30 years क्लाइमेट इज द जनरल वेदर कंडीशंस फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर एट लास्ट थर्टी ईयर्स क्वेश्चन नंबर टू हाउ कैन वी मैयर डिफरेंट वेदर कंडीशंस के हम मुख्तफ मौसमी कैफियात को किस तरह से मयर करते हैं द आंसर इज वी मैयर टेम्परेचर बाय थर्मोमीटर प्रेसिपिटेशन बाय रेन गॉड Humidity by hygrometer, wind by wind van, and air pressure by anemometer. We measure temperature by thermometer, precipitation by rain gauge, humidity by hygrometer, wind by wind van, and air pressure by anemometer. Question number three Why do different parts of the world have different climates? के दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ क्यों है आंसर इज देर आर थ्री रीजंस फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड वन इज लैटिट्यूड सेकेंड इज सी लेवल द थर्ड रीजन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी देर आर थ्री रीजंस फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड वन इज लैटिट्यूड सेकेंड इज सी लेवल द थर्ड रीजन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्वेश्चन नंबर फोर नेम द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड गिव देयर करैक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट क्लाइमेट रीजन जो हैं दुनिया के उनके नाम बताइए और उनकी खसूसियात भी बताइए आंसर इज क्लाइमेटिक रीजन्स करैक्टरिस्टिक्स पोलर कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पोलर कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माउंटेनियस हाई एल्टीट्यूड माउंटेंस Mountainous high altitude mountains. Temperate areas with moderate temperature. Temperate areas with moderate temperature. Tropical hot and humid areas with heavy rainfall. Tropical hot and humid areas with heavy rainfall. Desert hot temperature in the day and freezing at night. Desert.

इनको कंप्लीट करते हैं नंबर वन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वेदर आर मैर्ड इन कहाँ पर मैयर की जाती हैं मुख्तलि वेदर कंडीशंस मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बिल्कुल मौसमियाती हमारे जो इदारे हैं उनके स्टेशन पर नंबर टू टेम्परेचर इज मयर विदा टेम्परेचर किस तरीके से हम मापते हैं जी बाय थर्मोमीटर एक थर्मोमीटर के जरिए से नंबर थ्री रेन फॉल इज मैड विद द रेन गॉड जी तो रेन जो है मैयर करते हैं हम रेन गॉड से नंबर फोर विन डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय बाई डायरेक्शन किस तरह से पॉइंट आउट की जाती है वैन से नंबर द डैश डिवाइड द अर्थ इन टू टू हाफ कौन सी लाइन है जी इक्वेटर की लाइन है नंबर सिक्स द सी इज डैश देन द लैंड इन समर सी जो है वो समर में जमीन के मुकाबले में क्या होता है जी कूलर होता है तो आपने ये सारी ब्लैंक्स जो है फिल करनी है विथ करेक्ट स्पेलिंग्स मैच द कॉलम ए विद बी स्टूडेंट्स हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं ए एड बी इनमें दी गई इंफॉर्मेशन जो है उन्हें हमने मैच करके अपने सेंटेंस कंप्लीट करने हैं नंबर वन है अ अमेट्रोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द कि माहिर मौसमियात वो शख्स होता है जो स्टडी करता है किस चीज को जी वेदर को मौसम को तो हमने कॉलम ए में नंबर वन को मैच करना है द लास्ट नंबर ऑफ कॉलम बी देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट विच आर बेस्ड ऑन यहां पर तीन तरह की जो है वो टाइप्स हैं मौसम की जो के बेस्ड करती हैं किस पर जी लैटिट्यूड पर लैटीट्यूड पर बेस करती हैं कि वो रीजन जो है वो कहां पर है तो हमने नंबर टू कॉलम ए में से मैच करना है नंबर थ्री कॉलम बी के नंबर थ्री अ ग्रीन हाउस इज अ स्मॉल ग्लास हाउस व्हिच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग कि ग्रीन हाउस जो एक छोटा सा शीशे का घर होता है जो क्या उगाने के लिए इस्तेमाल होता है जी प्लांट्स बिल्कुल ठीक प्लांट्स उगाने के वो काम आता है वहां पर एक्सपेरिमेंटल बेस uh, पर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं और वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है तो कॉलम ए में से नंबर थ्री मैच करेगा कॉलम बी के नंबर वन के साथ नंबर फोर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जमीन के सबसे सर्द हिस्से जो हैं वो कौन से हैं बिल्कुल ठीक पोलर रीजन्स तो लास्ट नंबर ऑफ कॉलम ए मैच करेगा सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम बी के साथ इस तरह से आपने अपनी ये मैचिंग जो है ये कंप्लीट करनी है